भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और स्मृति सिन्हा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है और इन दोनों के फैंस चाहते हैं कि ये दोनों एक स्टेप आगे बढ़ के अपने इस रिलेशनशिप को एक नाम दे और शादी कर लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है? जी हाँ, आपको हम बता देते हैं कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन स्मृति सिन्हा जो है वो शादीशुदा है। हाँ, ये बात और है कि स्मृति अपने हस्बैंड से अलग रहती है, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड को अभी डिवोर्स नहीं दिया है, यानी अपने पति को उन्होंने अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। और यहाँ अगर पवन सिंह की बात करें तो उनके डिवोर्स का जो केस है वो निचली अदालत में चल रहा है। ऐसे में जो फैंस ये सोच रहे हैं कि स्मृति सिन्हा पवन सिंह से या पवन सिंह स्मृति सिन्हा से शादी कर ले, उनके लिए ये खबर बुरी ही होने वाली है। जब तक स्मृति सिन्हा का डिवोर्स नहीं हो जाता उनके पति से, और या फिर पवन सिंह की पत्नी का डिवोर्स नहीं हो जाता पवन सिंह से, तब तक तो इनकी शादी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप सिर्फ एक समय में एक ही विवाह कर सकते हैं। और वैसे हम आपको बता दें कि स्मृति सिन्हा और उनके पति के बीच मतभेदों के चलते वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं। अभी तक ये दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया है। हो सकता है बात आगे अच्छी हो जाए या इन फ्यूचर ये दोनों साथ रहने का फैसला कर ले, तो ये तो पॉसिबल दूर दूर तक नहीं है कि स्मृति सिन्हा और पवन सिंह शादी कर लें। वैसे कई इंटरव्यू में पवन सिंह को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त बताने वाली स्मृति सिन्हा के बारे में भी पवन सिंह की यही राय है कि स्मृति सिन्हा उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।